हेलो दोस्तों, मैं हूँ लतिका सरदार। तो आज मैं आपको काउरा साग बना के दिखाऊंगी। काउरा साग जो एक प्लांट होता है जो लगभग 4-5 फीट की होती है, इसे झारखंड में काउरा साग के नाम से जाना जाता है। काउरा आड़ा बोला जाता है, कुद्रुम का साग बोला जाता है, ठेपा साग बोला जाता है और पूरे इंडिया में इसे किस किस नाम से जाना जाता है मुझे नहीं पता। शायद इसे साउथ इंडिया में गंगोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज इस साग को बना के दिखाती हूँ। इसका टेस्ट खट्टी होती है, इसे खटाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। गांव में इसे मछलियों के साथ बनाया जाता है। तो आज मैं मछली के साथ तो नहीं बनाऊंगी, इस पर भिंडी डाल के बना के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इधर तेल गरम करके रखा है और यहाँ पर देखिए लहसुन, मिर्ची, प्याज और भिंडी काट के रखा हुआ है और यहाँ पर है काउरा का साग और टमाटर। तो सबसे पहले मैं लहसुन, मिर्ची, प्याज और भिंडी को तेल में डालूंगी। ये देखिए मैंने साथ में डाल दिया। सबको साथ में डाल दिया है। फिर मैं इसे तैयार करूंगी। मैं बस इसे इसी तरह से चलाती जाऊंगी कुछ देर तक। इसमें हल्दी और मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि अगर हल्दी डालूंगी तो इसका मतलब इस पर कलर नहीं दिखेंगे और मैं इस पर मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि मसाला वाला अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट कुछ अजीब सा आता है। इसको भूंज लेने के बाद फिर मैं एक गिलास पानी डाल दूंगी इस पर, बाद में फिर दिखाती हूँ। भिंडी भूंज लेने के बाद अब मैं इस पर टमाटर डालूंगी। देखिए टमाटर डाल दिया है मैंने और कुछ देर चलाऊंगी टमाटर पकने तक। टमाटर पक चुके हैं, अब इस पर जाएगा थोड़ी सी नमक। ये देखिए मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा देर के लिए चला दिया। इसके बाद इस पर डालूंगी एक गिलास पानी। ये गया एक गिलास पानी। अब इसको मैं कुछ देर बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये पकना जाए। फिर लास्ट में डालूंगी काउरा का साग या कुद्रुम की भाजी या काउरा अड़ा। देखिए इस पर मैंने हल्दी और मसाले का यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल प्लेन बन रहे हैं, सादा ही बना रही हूँ मैं। देखिए अब भिंडी जो है वो पक चुका है, अब मैं इस पर काउरा का साग डालूंगी। ये देखिए
ये लास्ट में डाला जाता है। अगर आप पहले ही डाल दोगे और बहुत देर तक बॉयल करोगे तो ये बहुत खट्टी हो जाती है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देना है। बस इसे 2-3 मिनट पका लेना है और फिर उतार देना है। अब तो पकने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। अब देखिए दोस्तों, साग का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब ये पूरी तरह से पक चुकी है और मैं इसे अब उतार देती हूँ। मैंने टेस्ट करके भी देखा था, ये इसका टेस्ट जो है वो हल्की सी खट्टी है और है तो यम्मी, बहुत टेस्टी है। अब आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। थैंक यू।